अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वोटिंग की तारीख अब काफी नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज तो किया ही है, साथ ही साथ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी कल जारी हो गया। लेकिन बीजेपी इस समय कांग्रेस को लगातार यहां पर घेर रही है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि वो एक बार फिर से जो है हरियाणा की सत्ता में लौटेगी। लेकिन बीजेपी लगातार जो है ये भी वादा कर रही है और ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से हरियाणा में उसी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता इस समय हरियाणा में जो है वो आपको पार्टी कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार रहे हैं, और इसी के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर हरियाणा पहुंचे और यहां उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, कैसे दलितों पर क्या कुछ अत्याचार हुए, जो आरोप लगे उनके सरकार पर, इस बारे में वहां पर बातचीत की और जमकर हरियाणा कांग्रेस को घेरा। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की पहले की सरकार जो कि हरियाणा में थी उसको लेकर क्या कुछ कहा। क्या हुड्डा जी और उनके समर्थक उनको बहन मानते हैं? क्या उनको अपना सांसद मानते हैं? क्या उनके मन में किसी बेटी के लिए, किसी दलित महिला के लिए सम्मान है? अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। 19 अप्रैल 2010 मिर्चपुर की घटना को याद करो, दलित परिवारों के बस्ती में वहां पर अगर कुत्ते भौंक भी पड़े तो वहां पर उन परिवारों को 18 परिवारों के घरों और सबको चलाने का काम इसी हुड्डा सरकार के समय हुआ था। दलितों की आवाज को कुचलने का काम हुआ था। आप साथ लगते राजस्थान की घटनाओं को उठाकर देखिए, दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्या अगर सबसे ज्यादा देश में कहीं पर हुई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय हुई। अब हुड्डा जी को 10 साल के आंकड़े उठाकर देखिए, दलितों की हालत क्या थी हरियाणा में। आज दलित परिवारों से मैं कहता हूं, एक बार जागिए, पूछिए दिया क्या है हुड्डा जी आपने। दलित अपने आप को सहमा हुआ, डरा हुआ महसूस करते थे, लेकिन हुड्डा जी आप उनको न्याय नहीं दिला पाए।